नमस्कार, आप इसी की तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांडल्या के द्वारा जो है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का पुतला जलाया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें, अमूमन जो है पंजाब में इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा पकड़ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में या फिर कहीं भी बात की जाए तो चर्चाओं में अमृतपाल जो है नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं बताया ये भी जा रहा था कि कल पंजाब पुलिस के DGP ने ये बताया है कि उन्होंने अमृतपाल को हरियाणा के शाहबाद और कुरुक्षेत्र पीपली बस अड्डे पर भी देखने का प्रयास किया है ये, लेकिन अभी तक हरियाणा की तरफ से इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं गई है। जिसमें एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांडल्या के द्वारा जो है उनका पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। आप सभी को जानकारी दे दें कि आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है एंटी टेररिस्ट फ्रंट की वरीय शांडल्या का इस पूरे चीज को लेकर। एक मिनट, ना केवल गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया बल्कि पंजाब पुलिस पर अटैक करके थाने पर कब्जा किया, चंडीगढ़ पुलिस पर जानलेवा हमला किया, बंदी सिखियों के नाम पर आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं खालिस्तानी। जो कुछ पंजाब को बचाने के लिए अमित शाह जी ने किया और अमित शाह जी ने पैरामिलिट्री की फोर्स भेजी है, हमने 2 महीने पहले कह दिया था कि हम हर जिले में जाके खालिस्तान का अमृतपाल का पुतला जलाएंगे। आज उसी संदर्भ में हमारे सैकड़ों युवा जो एंटी टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, आज हमने अमृतपाल का पुतला जलाया। आज बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया और फांसी के फंदे पर चढ़े। आज मैं यमुनानगर की धरती से ऐलान करता हूँ, खालिस्तानियों, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम खालिस्तान मांगोगे तो हम चीर देंगे। पंजाब सरकार के नाम को पूरे मैटर में क्या देंगे? पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया लेकिन बहुत लेट उठाया। भगवंत मान का उसी दिन इसका कचल देना चाहिए था, इसको जिंदा, इसको जो है गोली मार देनी चाहिए थी जिस दिन इसकी मूवमेंट शुरू हुई। मैंने हमारा हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र एंटी टेरर फ्रंट ऐसा है जिसने 12 नवंबर 2022 को और 4 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन दिया, बनवारी लाल पुरोहित जी को, कि आप जो अमृतपाल सिंह के साथ लोग चल रहे हैं वो आतंकवादी हैं, अमृतपाल ISI का एजेंट है, इसको बब्बर खालसा की फंडिंग होती है, इसके हथियार सारे रद्द किए जाएं, कब्जे में लिए जाएं, लाइसेंस रद्द किए जाएं, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी। और अब जब पैरामिलिट्री फोर्स अमित शाह ने भेजी, अब वो वारिस पंजाब का अमृतपाल, कभी बाप अपने बच्चों को छोड़कर भागता है, वो वारिस पंजाब जो खालिस्तान की बात करता था, अभी तो अंगड़ाई ली है केंद्र सरकार ने अमित शाह ने, उसका पता नहीं केस काट कर और दाढ़ी काट कर कौन से रूप में, नहीं हमारी सुनी। और अब जब पैरामिलिट्री फोर्स अमित शाह ने भेजी, अब वो वारिस पंजाब का अमृतपाल, कभी बाप अपने बच्चों को छोड़कर भागता है, वो वारिस पंजाब जो खालिस्तान की बात करता था, अभी तो अंगड़ाई ली है केंद्र सरकार ने अमित शाह ने, उसका पता नहीं केस काट कर और दाढ़ी काट कर कौन से रूप में बैरूपिया बन के फरार हो गया। हिंदुस्तान में खालिस्तान की बात करने वालों को गोली मारने का कानून लाए और जितने भी आतंकवादी पकड़े हैं, जो लोग अमृतपाल का और खालिस्तान का नाम लें और उनकी वकालत करें, उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह की सेक्शन लगाकर उनको जेल भेजा जाए। और जिस तरह से देखा जाए ब्रिटेन के अंदर तिरंगे का अपमान किया गया खालिस्तानियों द्वारा, उसके ऊपर क्या कहें? हम ब्रिटेन उच्चा जो दूतावास है उसके बाहर हम सोमवार को प्रदर्शन करेंगे और खालिस्तान मूवमेंट को विदेशी फंडिंग है। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जहां से भी खालिस्तान की रूट्स हैं उनको खत्म करने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के एक एक कार्यकर्ता हाथ खड़े करके कहो, एक एक कार्यकर्ता हथियार उठाने के लिए तैयार है। भारत माता की जय, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। फिलहाल हम एक जन आंदोलन बना रहे हैं खालिस्तान के खिलाफ, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में,
और 1 अगस्त को हम दिल्ली से, ये पहली रथ यात्रा है, इससे पहले भी मेरे नेतृत्व में 2002 में आज से 21 साल पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा एक बार दे रहे हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर सियासी गर्माई भी तेज होती आती है। तो हम उस को दीजिए चाचा बने 24 के साथ। नमस्कार।